है देश भर के कई हिस्सों में धार्मिक स्थलों में भक्तों का आना शुरू हो गया है, क्योंकि कई जगहों पर मंदिर मस्जिद खोल दी गई हैं, लेकिन इस दौरान सावधानी बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। धार्मिक स्थल देश भर के कई हिस्सों में खुले स्थल, घंटे घड़ियालों की गूंजी आवाज, रियायतों के दौर में सावधानी जरूरी। धार्मिक स्थलों पर दिखाई दे रही भीड़, बाबा के दर पर मत्था टेकने के लिए भक्तों की चाहत कुछ कहती है। दरअसल कोरोना काल में महीनों से इंतजार कर रहे भक्तों का आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है। देश भर के कई हिस्सों में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खुल गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर अर्चना की। हालांकि इस दौरान गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन भी बखूबी किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। उत्तर प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्म स्थल खोले गए हैं। हालांकि प्रतिमा या धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श नहीं करना होगा। एमपी के उज्जैन का महाकाल मंदिर खोल दिया गया है। हरिद्वार में श्रद्धालु हर की पैड़ी में स्नान कर सकेंगे। राजधानी दिल्ली में ज्यादातर धार्मिक स्थल खुल गए हैं। अहमदाबाद में मंदिर खोले गए हैं। वहीं सोमनाथ मंदिर में सिर्फ स्थानीय लोग ही दर्शन कर सकते हैं। बनासकांठा का अंबाजी मंदिर 12 जून से खोला जाएगा। यहां शिफ्ट में श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये छूट अभी देश में हर जगह नहीं है। कुछ जगह धीरे धीरे रियायत देने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के शिरडी साईनाथ में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि इस दौरान कोई लापरवाही ना हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। अब आपको ये भी बताते हैं कि कहां कहां मंदिर अभी नहीं खुलेंगे। मथुरा जिला प्रशासन ने वृंदावन स्थित बांके बिहारी समेत सभी मंदिरों को 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। पंचकूला का प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर भी आज नहीं खुलेगा। मंदिर को 9 जून से खोलने का फैसला किया गया है। दिल्ली में मरघट वाले हनुमान मंदिर को भी आज श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला जाएगा। महाराष्ट्र के भी कई धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं। झारखंड के भी कई धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं। एमपी के भी कई धार्मिक स्थलों पर ताला अभी लगा रहेगा। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अभी स्थगित ही रहेगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ बाबा का दर भी नहीं खोला जाएगा। बहरहाल धार्मिक स्थलों में घंटे घड़ियालों की गूंज सुनाई देने लगी है, लेकिन धार्मिक स्थल पर जाएं सावधानी के साथ। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन जरूर करें, क्योंकि साधना के साथ कोरोना से भी बचना है। क्योंकि कोरोना के कहर की वजह से कई महीने तक मंदिर बंद रहे और अब खुल गए हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि मंदिरों में जनता कितना नियमों का पालन करती है। रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो लॉकडाउन के बाद आज से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए।